नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है, मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश भाई। ईश्वर की कृपा से, एक संघर्ष से, आपके फेलोशिप की वजह से आज शराब से, जहरीली गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। शराब एकदम कम उम्र में मेरे जिंदगी में आई। मैं अपने पहले कुछ पर्सनल अनुभव बताता, बाद में फिर मैं ये में आने के बाद, तो मेरी शराब की दूरी का मैं कोई बहुत मैं आज बहुत ज्यादा मंथन कर रहा था, सोच रहा था अपने बारे में, अपने गहराई में देखा जा कि मैं बचपन से ही डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर से भरा हूँ। बचपन से ही मेरे को याद आता है कि मेरा बचपना वो उन जमाने में गुटी, और वो एक पड्डा आता था, वो पड्डे में वो टिकट निकालते थे, उसमें पैसे मिलते थे, वो सब काम मैं करता, और बेईमानी अपने घर के लोगों के साथ करना। मालूम नहीं कि तब से मैं इसके, मेरे को याद नहीं आती। आज मेरे घर में एक सब्जी की दुकान, उन दिनों में वो मदर चलाती थी मेरी, और वो उसके सब्जी भाजी मेरी मदर लेने जाती थी, और मदर के साथ बाद में हम लोग साइकिल पे बांध के लाते, बोरिया, दो बोरिया मेरी मदर सब्जी ली, सब बराबर ली, और मन जिसके घर में मेरा बैठना उठना था, मैं पहले उसके घर लेके जाता था, बोरा खोलता था और हर एक सब्जी थोड़ी थोड़ी दे देता, और बाद में घर मेरी माँ बोलती थी, सब्जी मैंने इतनी ली और इतनी कम क्यों दिख रही, तो झूठ। पहले कहा मैं मदर दूर बांध दे ली, मान लो तुमने बांध के दिए और मैं लाया, झूठ। और उनके साथ में मेरा बहुत दिन तक उनके घर में मेरा जाना आना और बैठना बचपने में था। एक रेलवे के क्वार्टर ऊपर में थे उनके घर, वहां पे था, क्वार्टर में रहते थे। उसी के साथ में मैं काम करने भी जाता था, मेरे पेंटिंग के काम, वो उस वक्त रोजी मिलती थी 5 रुपए, और वो लोग देसी शराब पीते थे उन दिनों में, और वो मैं उनके साथ में बैठता था, पर मेरे को शराब का कोई अनुभव नहीं था, मैंने शराब पीना चाहिए ये कुछ ऐसा कोई मेरे अंदर दिमाग में नहीं। मैं बाद में धीरे धीरे बड़ा हुआ, पेंटिंग के काम में ज्यादा करने लगा, उन लोगों से थोड़ा सा मैं नाता दूर हो गया, और मैं अपना इंडिपेंडेंट काम करने लगा। और मैं एक जगह वीडियो पार्लर का एक उद्घाटन था, और उनका एक सामने का एक फेस को पेंट करके अर्जेंसी में देना, वो अर्जेंसी में मैं उनके पास गया और मैंने वो काम कर रहा, जो हमारा जिस आदमी का उस ऑनर था, वो ऑनर 11 बजे या 12 बजे मस्त वो घास वाले इसमें गार्डन जैसी ठंडे इसमें बैठकर एक छतरी ऊपर लगाकर मस्त आराम से शराब पी रहा। 4-5 दिन काम खत्म हो गया वहां से, उसने बोला कि पेंटर ऐसे ही कपड़े बदलते रहोगे क्या इधर उधर, तो मेरे घर पे मेरे दुकान पर आओ, और बोले मेरे पास में कुछ कुर्सियां है, बोले 3,000 पर कुर्सी से आप लेना करो, बोले पेंट मैं दूंगा। और मैं उसने वहां से पेंट का काम मेरे को दिया, और पेंट का काम खत्म होने के बाद उसने बोला कि कहाँ इधर उधर कपड़े ले जाते रहते पेंटिंग के काम करने के लिए, हमारी दुकान में काम करो महीनेवारी से। और मेरे को बचपन से ही महीनेवारी तनख्वाह नहीं पूरा थी, नहीं मैं उसको, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था ना महीनेवारी। मैं कभी महीने वाली तनख्वाह में मैंने करीब करीब 7 नौकरी छोड़ा हूँ। अच्छी अच्छी फैक्ट्रियों में मैंने काम किया हूँ। एक खड्डा फैक्ट्री थी, खड्डा फैक्ट्री में खड्डा बनता था, तो खड्डे की कचरा वेस्टेज उठाकर वो कुएं में डालो, वो खड्डा दिन भर को बारदाने में जमा करो, खंधे में ले और वो कुएं में डालते रहो, दिन भर वही काम। उसके बाद मेरे को एक चाय पत्ती कंपनी में काम लगाया मेरे भाई, वो चाय पत्ती कंपनी भी मैं बेईमानी और चोरी थी, रात की ड्यूटी रहती थी, 6 बजे दीवार की तरफ चाय पत्ती के पैकेट में खुश फुस के लाते थे, और बाद में बेचने, बेसिक ही मेरा शुरुआत ही बेईमानी से थी और झूठ। बचपन स्कूल जाने के लिए मेरे को बहुत तरास, स्कूल जब मेरा भाई मेरे को साथ में साइकिल पे ले जाते थे, तो वो बोलता था मेरे घर के लोग मेरे को, मेरे पिताजी मेरे को चारा नहीं, मेरे पिता भाई को चारा नहीं, वो मेरा भाई को बोल देता था ये पकड़ चारा नहीं तू ही बाबा, हाँ तू जा स्कूल, बाद में घर वापस आते आते मेरे को ले ले। पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं, बाद में मैं जहाँ मैं बात किया हूँ सरदार फैमिली के साथ रहा, उनके साथ में मैंने ये जो आज मेरा काम है उनसे मैंने वो हुनर सीखा, और मैंने भी 90 में वो नौकरी छोड़ा, 83 से तो 90 तक मैंने वहां जॉब किया, और जॉब भी छोड़ने के लिए गॉसिपिंग एक चीज होती है ना, गॉसिपिंग या किसी का अच्छा नहीं देखना, जिस आदमी ने मेरे को उस दुकान में लगाया था, लेके गया था लगाने के लिए, उस आदमी के पास में मैं अगर अपना 6 साल में अपना ओहदा इतना बढ़ा दिया था कि मेरे को एक 2 व्हीलर मालक की, मेरे को अच्छी कमाई, रोज की तनख्वाह, मेरे को देखना नहीं पड़ता था कभी कि तनख्वाह कितनी है मेरी, मेरे को रोज उन दिनों में 100-150 रुपए मैं रोज अपनी चतराई दिखाकर लाता था, और वो चतराई में वहीं पर उसी मालक के पास में मेरे को शराब की आदत लगी। वो जो मेरा मालक था वो मालक मेरे को शराब रोज शाम को आधी नीब दे देता, कभी कभी वो दिन में एक नीब दे देता था, आधी नीब दे देता था कि भैया जाते वक्त पी लेना, वो सुबह 11 बजे से शराब, लैंड लॉर्ड था वो, बहुत उसकी कमी नहीं थी उसको पैसे, तो अच्छी अभी भी वो फर्म है यहाँ, तो उसमें मैं करीब करीब 83 से 90 तक मैंने जॉब किया, और मेरी प्रगति देखकर जिसने मेरे को लगाया उसने मालक के पास में एक मेरे बारे में गॉसिपिंग किया जो सच नहीं थी, बिल्कुल 100% झूठ था, उसने मेरे बारे में कि वही तुम्हारा या जो आदमी है अपने घर में काम कर रहा है, तुम्हारे आदमी ले जाता है, तुम्हारे यहाँ से सामान लेके जाता है, उसने
ये सब मेरे बारे में झूठ फैलाया, पर वो मालक मेरे को बेटे के जैसे रखता था। मेरे घर का एक, उनके घर का एक सदस्य था कि जैसे रखते थे उनके बच्चों को लेके। तो उनकी लड़की को, बड़ी लड़की को 10वीं क्लास में उसके पेपर के लिए मैं जाकर उसको छोड़ता था, मैं लेकर आता, इतना भरोसा था उनको मेरे। और मैंने वहां पे बहुत ईमानदारी से कहा, मेरे को कुछ पाना था वहां से, मैंने पाने के लिए मैंने बहुत साल वहां पे प्रयास, मैंने बहुत वहीं से शराब मिली, वहीं से शराब चालू, और बाद में धीरे धीरे वो कभी एक दिन नहीं मिली तो मैं खुद ही बियर 1.5 पैक जाके बियर बांध, जैसा उन्होंने मेरे को वहां से लिखा ले 90, मैंने अपना बिजनेस डाला वही सेम भी। वो उनका बहुत बड़े पैमाने पे था, पर मेरा बहुत कम पैमाने पे चालू, एक आदमी से मैंने दुकानदारी चालू की थी, फैंस बनाए एक आदमी से मैंने दुकानदारी चालू की थी। बाद में धीरे धीरे 4-5 आदमी भी काम करने लगे, छोटे मोटे गवर्नमेंट के काम करने लगा, और बाद में धीरे धीरे शराब बढ़ते गई। मैं एक जमाना था कि मैंने चेक पेमेंट से दारू, एक पर्टिकुलर एक बियर बार था मेरा, वहाँ मेरा एक टेबल रहता, अंडा पकौड़ा के साथ में, अच्छे के साथ शराब, और वो सरदार फैमिली, वो भी बार भी सरदार, तो मैं वहां जाके मस्त पीता, दिन में भी पी लेता था कभी कभी, और अच्छी क्वालिटी की शराब पीता था जो मैं मालक के साथ पीता था, वो वाली शराब। शराब ने अपना काम करना शुरू कर दी, धीरे धीरे उसने मेरे को पीना शुरू कर दिया। बाद में हमारे साथ में हम उम्र के 7-8 दोस्त थे, वो कभी कभार बियर बार में मेरे साथ में बैठते थे, कभी वो पैसे देता था, कभी हम देते थे, कभी वो दूसरा देता था, उसी एक एक कोई ना कोई दिन देता था, हर एक दिन कोई ना कोई देता। फिर एक के दिमाग में आया कि अपन ये बियर बार में बहुत पैसे देते हैं, तुम बोले, एक जन बोले मेरा घर इधर रामनगर में टेकड़ी पर, एक अच्छी खासी बड़ी क्लब एरिया था, बोले वहां आओ, अपन ने मेरे घर में, मैं मिल्ट्री का रम लाया करूंगा, या मिल्ट्री की मैं दारू लाया करूंगा, वो दारू भी सस्ती पड़ती, और अपने मैं अपने घर में, अपने घर में पिया करेंगे। हम 4-5 दोस्त उसके घर जाके पीते थे। एक बार ऐसा हो गया कि उन्होंने बोला, मेरे को थोड़ा नशा कम हो गया, मेरे को थोड़ा सा मजा नहीं आया दारू, तो उसको मैंने बोला पान ठेले पर आकर कि भैया मेरे को आज तेरे शराब में मजा नहीं आया, मेरे को नशा जैसे लग ही नहीं रहा। तो उसने बोला ये देसी दारू की दुकान चालू है, वहां जा कैफे की शराब ले कौवा और पी ले। मैं बड़े छाती ठोक के बता रहा था कि मैं आज तक देसी शराब नहीं पिया। वो देसी शराब नहीं पिया, बरोबर उस आदमी ने पिया हुआ आदमी सच उगलल दिया उसने अपने मन पे बात से, कि आज तक जितनी पार्टी मेरे अपने घर में हुई, उस घर में बाटल मिल्ट्री रम की रहती थी, पर उसमें दारू कैफे रही। उस दिन के बाद मैंने कभी इंग्लिश दारू को नहीं देखा, और मैं अतोनात शराब पीने लगा। मैंने जितने किस्म की लगभग शराब अवेलेबल है, सारी किस्म की शराब। का नतीजा ये हुआ कि मैं शराब के आदी हो गया, काम धंधा खत्म हो गया। भलते भलते जब वो काम करने लगा, चाय पत्ती फैक्ट्री में बोलो या इधर बोलो या उधर, जो भी काम मिलता था काम करता था। मेरा भाई बहुत सारी नौकरी, एक वकील, मेरे भाई का एक अच्छा मित्र था जो लेबर वकील का, बहुत बड़ा वकील था वो, उसने एक चिट्ठी किसी को लिख के दिया कि ये आदमी को काम पे रखो, और वो चिट्ठी मेरे लिए लिख के लाता था मेरा भाई अपने दोस्त के पास, और वो चिट्ठी लेके जाओ तो कहीं पे भी मेरे को नौकरी फैक्ट्री में मिल जाती। मैं इधर बाड़ी की साइड में MIDC एरिया में मैंने बहुत सारा जॉब किया, इधर कोराडी रोड पर मैंने बहुत सारे जॉब किया फैक्ट्रियों में, पर बाद में मेरे को नहीं जमा, वो मैं बाद में जमता नहीं था मेरे को, कि वो 1 महीने में तनख्वाह मिलना और ये करना, वो बाद में सब कुछ मेरा वाला, धीरे धीरे मैं बाद में हाथ मजदूरी काम करने लग गया शराब पीने के लिए। घर में मेरे को पैसे देने की गरज नहीं थी। 92 में मेरी शादी हो गई, शादी भी मेरी मनपसंद से हुई, लव मैरिज था मेरा, और लव मैरिज भी मेरा 83 से ही था, यानी 20 साल की उम्र से मैं लव मैरिज, 34वें साल में मैंने शादी, इतने साल वो मेरे साथ में जाना आना मिलना, जो मेरी बीबी के साथ कभी, जो मेरी बीवी है, और उसके बाद में मेरा ससुराल मेरा था, मेरा ससुराल बहुत बड़ा मेरा था, वो बहुत बड़े अखंड अल्कोहलिक। और एक जमाना ऐसी भी आया कि ससुरे के साथ भी मैंने शराब पीना, और एक समय ऐसी भी आया कि मेरे पिताजी मेरे साथ, मेरे को पीना था तो मैंने मेरे पिताजी को बोला, क्यों आज तुम शादी में जा रहे हो तो थोड़ा सा आधा कुछ नहीं भी ले रहे? नहीं नहीं बोले मैं, चलो बोले शादी, वो भी ताजबाग के तरफ, वो एक चौक पर एक भट्टी की दुकान है, मेरे पिताजी को मैंने बोला थोड़ी सी ले लो, उनको नहीं पीना था पर मेरे को पीना था, उनको इधर से लेने लगाया, मैंने पीछे से उसको भैया बोला एक एक नीब दे दो। इतना धीरे धीरे मेरा शराब की कुछ आकर्षण बढ़ा। एक दिन ऐसा भी आया कि मेरे घर के बाजू में इन्वर्सेल मिल, वो जाने की भी गरज नहीं, मेरे पीछे का दरवाजा खोला और आगे वाले को आवाज दिया कि भैया इसमें 2 औंस डाल दे, तो इन्वर्सेल मेरे लिए खूब बड़ा कोटा था, जिसको अपन अदरक की दारू बोलते, वो भी पीने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा शराबी जीवन बहुत आदी होते गया, और मैं सिर्फ शराब पीने के लिए काम, तब रोजी हुई थी 50 रुपए, 60 रुपए, 50-60 रुपए में से 10-15 रुपए का, 8-10 रुपए का पौवा, एक दो पौवे पीना, तीन तीन के काम में जाना तो भी पीना, और कुछ भी काम करना है तो शराब, और सिर्फ शराब के लिए मैं काम करता। और बाद में शादी होने के बाद भी मेरा वही सिलसिला चला। 92 में मेरी शादी हुई, 93 में मेरे को लड़का हुआ। उसमें एक अनुभव बताकर, ये अनुभव बताकर भी मैं अपने कार्यक्रम पे जाऊंगा। मेरी बीबी प्रेग्नेंट थी, और मेरी बीबी मेरे को बोले कि मैं ये हालत में हूँ, तुम पी के आते हैं, मेरे को दवा खाना वहाँ खाना जाने की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगी, किसको बोलूंगी, मतलब मेरे भाई है,
घर के लोग हैं, करेंगे देखो मदद। बोले वो रहेंगे पर तुम नहीं रहेंगे तो कैसा हूँ। एक अल्कोहलिक ने आनन फानन में, आनन फानन में उस पेट पे हाथ रखकर मैंने कसम खा ली कि ये जब तक नहीं होगा तब तक मैं नहीं। तब मेरी अस्त व्यस्त तक मेरे को समझ में आई कि मेरी शराब की वजह से मैं कैसा पागल था, पी भी नहीं सकता, बच्चे का सवाल। और मेरी जो तड़प थी ना अंदर, और जो डॉक्टर ने डेडलाइन दी थी ना, वो डेडलाइन भी 4-5 दिन ज्यादा हो। तो अब जिस दिन उसको 2 दिन पहले दवाखाने में भर्ती किए, तो दवाखाने में मैं लगे कंटिन्यू उस दरवाजे की तरफ देखता था कि मेरी सास आए और कुछ तो भी मेरे को बताए। 18 मार्च को मेरे को लड़का हुआ 11:30 बजे रात को। अच्छा आदमी रहता तो घर आता, पेड़े बांटता, घर के लोगों को खुशखबरी देता, पर मैं एक अल्कोहल के आधी आधा आदमी, बिल्कुल दवा खाने के सामने में एक भट्टी है, वहां 2 निप 3 निप कट कट पिया, 1 निप पार्सल लाया, घर आया उसको पी के औंधा होके सो गया। मेरी माँ सुबह से पूछती, बेटा क्या हुआ, ये कुछ बताया नहीं अभी तक। लड़का हो गया, लड़का हो गया, और मैं उसको बताया नहीं। तो मेरी माँ मेरे को बोले कब बताएंगा। मेरी माँ फिर मेरे दवाखाना गई, और उसके बाद अल्कोहलिक्स अनॉनिमस में धीरे धीरे मेरा अल्कोहलिज्म धीरे धीरे बढ़ते गया। और अल्कोहलिक्स अनॉनिमस का मैसेज किसी ने मेरे भाई को दिया था, वो था साल 97 का, और 97 में मेरे भाई को दिया, मेरे भाई ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। भले उसने जून महीने में दिया होगा, मई में दिया हो, क्योंकि वो मेरा भाई का एक दोस्त था ना, वो मेरे घर पे जब भी आता था ना तो मैं उसको औंधा दिखता था या फिर पी के दिखता था। और वो आज मुल्टी टाइमर था उस वक्त का, आज इस दुनिया में नहीं है। इनिशियस मेरा स्पॉन्सर भी वो था, मैं छोटी छोटी चीजें उसको पूछने जाता था। तो मैं उसको, उसने मेरे को, मेरे भाई को बताया, मेरे भाई ने 2 नवंबर को मीटिंग लाया और 31 दिसंबर को मैंने लास्ट पैक पिया अपनी जिंदगी। और वो भी पीने का कारण ये था 31 दिसंबर को, कि मैं ऐसा, हमारे मेन रोड है, रेसिडेंसी रोड है, और रोड पर बहुत उत्साह रहता है 31 दिसंबर। नहीं पीने वाला आदमी भी वो उत्साह में, जो लाइटिंग लगी रहती बियर बारों को, इतना आकर्षण रहता, बियर बारों को सजा देते, वो आकर्षण में मैं चला यार, सारी दुनिया दारू पी रही है और मेरे को बोल रहे कि दारू मत पी, दारू मत, 1 डे एट ए टाइम से। और मैंने जाकर 1.5 पैक पी लिया, देसी पीने वाला, सब ढगा पीने वाला आदमी, तो कुछ नहीं, कुछ दिनों से नहीं पी रहा था। तो 31 दिसंबर को मैंने लास्ट पैक को मैंने पिया, और बाद में मैं अल्कोहलिक्स अनॉनिमस में मीटिंग में आते रहा। एक व्यक्ति था जिसका अल्कोहलिज्म मैंने बहुत करीब से देखा था, वो आदमी एक 6.5 फीट का आदमी, एक अच्छे हाईएस्ट एजुकेशन का मास्टर, अच्छी नामी स्कूल में टीचर, पर एक नंबर अल्कोहलिक, मेरे ही मोहल्ले का था। और उसको मैं जब भी देखता था मेरे मालक के पास, जब मैं काम करता था, तो वो 5 रुपए के लिए 8 बजे आके घुटने के बल मांग, और मैंने वहां से जॉब छोड़ दिया, मैं निकल गया वहां से। तो वो आदमी को, मेरे को बहुत दिमाग में बैठा था कि आदमी इतना अच्छा, स्मार्ट आदमी, ऊंचा पूरा आदमी, इतनी पर्सनैलिटी अच्छी है, अच्छा सी बड़ी अच्छी नौकरी है, कई बच्चों को उसने भविष्य बनाया, और ये आदमी ऐसा कर। पर बाद में मैं जब ए में आया, जनवरी के बाद में 5-1 तारीख के बाद, जो भी दिन था, बुधवार शनिवार जो भी दिन होगा 98 का, उस आदमी का 2 साल का ग्रेटिट्यूड डे, और वो आदमी मेरे लिए इतना चमत्कार हो गया मेरे जीवन में, कि मेरे दिमाग में एक ही बात आवाज आई और मेरे मन से आवाज आई कि नरेश, ये आदमी शराब छोड़ सकता तो तू क्यों नहीं। और मैं उस दिन से लेके, तो अभी तक, कल का नहीं बता सकता, आज का बताता हूँ, अभी तक शराब से दूर। और उस मीटिंग में उस आदमी को 6 महीने के बाद में मैंने रिलैक्स भी देखा। उस आदमी को मैं 12 स्टेपिंग करने गया कि भैया मेरे लिए तू आइडल था, मैं तेरे को देख के सोबर हुआ, कम से कम तू ठीक से रहे। पर रिलैप्स क्या करती, वो आदमी 4-6 महीने में मर गया। वो मेरे को सदमा लगा कि दारू पीने के बाद अगर मैंने पिया तो मैं मर सकता हूँ, ये बात मेरे को दिमाग में फिट हो गई। यही एक कारण है कि मैंने पूरी 26 साल की सोबरिटी उसके अनुभव से, दूसरे के अनुभव से, मैं अपने अनुभव से तो सीखा ही सीखा हूँ, अनेक गलतियां किया हो मैंने सोबरिटी में, पर वो बताऊंगा मैं आपको। पर मैंने वो आदमी को देखने के बाद, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैंने पी लेना, बोले जा नहीं तो उसने पिया तो पिया, अपन काय को पिया। उसकी अवस्था भी देखा बाद में मैंने, ऐसी अवस्था हुई। स्लीप की अवस्था मैंने बहुत लोगों की देखा हूँ, इसलिए स्लीप में मैं कभी, मेरे दिमाग में, मेरे अंदर में बहुत घटना, दुर्घटना, परिस्थिति बहुत बुरी बुरी आई। और वो कुछ लोग समर्थन कर सकते थे मेरे बात का, मेरे पीने का, कि बाबा इसने पिया तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े इसके ऊपर में ये दुख आए हुए, तो वो उसमें भी मैं शराब नहीं। एक व्यक्ति थे हमारे साथ में, जो उन्होंने उनको पकड़ के रखा था, उनका साथ था, और बाद में उनका, मेरे को इनिशियल स्पॉन्सर बोलो या स्पॉन्सर बोलो, मेरे थे वो। उस दिन के बाद उन्होंने मेरा मेरा नाता उनके साथ में अच्छा टिका नहीं, और मैंने उनको, उन्होंने मेरे को बदले या उन्होंने मैंने उनको बदला, बात एक ही है, हम दोनों अलग अलग सेपरेशन हो। सोबरेटी मेरी जब तक आ गई थी 8-8 साल, 8-9 साल की होंगी वो। तो मेरे को सारी मेरी सोबरेटी के हर एक 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 पल, एक एक साल मैं आज भी याद कर सकता हूँ, बाय अच्छे से। मैं इतने गरिमा से
लोगों के अनुभव सुनता हूँ ना, तो मेरे को मेरी जिंदगी याद। और अल्कोहलिक्स अनॉनिमस में करीब करीब 6-7 साल ड्राई सोबर था। सेल्फ रन ड्राइव, खुद की मर्जी चलाना, ईश्वर उस पर को बात की बात है। पर एक छोटा सा अनुभव ऐसा भी था कि मैं आखिरी आखिरी के दिनों में एक मंदिर में बैठा रहता, सिर्फ जैसा यही मैं आया उस दिन में से लेके कुछ इसके पहले भी मैं वहां मंदिर में बैठा रहता सिर्फ टाइम पास करने के लिए। और एक प्रिंटर था वहां पे, एक प्रिंटर का बड़े बड़े होल्डिंग बनाता था, वो तो होल्डिंग में पेंट करता था, तो वो उसके पेंट वेंट मार देता था और 10-20 रुपए दे देता था मेरे को। इतनी बुरी अवस्था, जो आदमी के पास अच्छा खासा काम था, अच्छे खासे आदमी थे, पर शराब ने मेरे को उस मंदिर के दरवाजे पे बहुत साल 1.5 साल तक बिठाला। मैं वहां पे अपना टाइम पास करता था, मीटिंग करता था, और वहीं से मेरा वापस नए साल में मेरी नई सोबराइटी में उसी मंदिर से मेरा रोजगार भी आया। जो काम मैं करता था, जो दुकानदारी शराब पीने की वजह से बंद हो गई थी, उसी जगहों पर एक बाई आई और उस बाई ने मेरे को बोली कि भैया मेरे को एक फलाना सामान बनाना है आपसे, घर पे आओ बातचीत करो और पैसे ले जाओ। मेरे सारे मोहल्ले को मालूम था ये आदमी शराब पीता है और पड़ा रहता है, काम नहीं करता, एडवांस लेके डुबा लेता है, सबको मालूम था। वो भाई ने धाड़स बताई, उसने हिम्मत बताई कि मेरे को कैसी पूछी उसने, और मैं तुरंत उस मंदिर से उठा के घर गया, तो बातचीत किया। और उसने मेरे को जब 1500 रुपये दी, वो 1500 रुपये मेरी नई सोबराइटी में दुकानदारी चालू करने के लिए कारगर सिद्ध हो, कारगर सिद्ध। मैं उस भाई का बहुत शुक्रगुजारी करता था बार बार अपने मुंह से, कभी मीटिंग में। वो 1500 रुपये मेरी जिंदगी में नए सोबराइटी में मेरा बंद किया हुआ दुकान, खत्म हुई हुई दुकान वापस खड़ी हो, और फिर काम, मीटिंग और घर, और बाद में फिर समाज। तो मैंने वो सारी चीजों पे मैंने धीरे धीरे अपना काम करते, पहले मैंने परिवार की, जो मेरा घर के लोग जो मेरे शराब की वजह से त्रस्त थे, वो घर में थोड़ा सा वातावरण शांत फुल हो गया, बढ़िया हो। घर में ये मेंबर कुछ आते थे, कभी बैठते थे, चाय पानी होती थी, मैं मीटिंग जाता था, मीटिंग के आफ्टर में फेलोशिप में रहता। मैंने अपने आप को अल्कोहलिक्स अनॉनिमस में झोंक, बहुत लोग हैरान करते थे कि भैया ये आदमी इतना टाइम फेलोशिप में देता तो ये काम धंधा क्या। मेरा काम कैसा है कि मेरे पास आदमी काम करते थे, मैंने उनको काम दे देना है, उनको समझाना है, और अपना दिन भर मैं ये में धीरे धीरे मैं सोबर होते गया बढ़िया तरीके से। और मैंने बहुत तकलीफें देखा हो ये में, सोबराइटी में भी बहुत तकलीफें देखा हो। मैंने पहला कदम मान लिया, दूसरे कदम पर मैंने को तभी हायर पावर को सुनने समझने के लिए मेरे को बहुत तकलीफ हुई। मेरे स्पॉन्सर को मैंने पूछा, जो दूसरा स्पॉन्सर किया, मतलब भगवान मेरे पास बहुत सारे चीजें है, भगवान है, तो उसमें से उच्च शक्ति किसको चुनो। बोले जिस पे तेरा विश्वास, जिस पे तेरा फेथ है उसको। और वो धीरे मैंने एक भगवान को चुना, और भगवान के बारे में मैं इतना ही बता सकता कि एक भगवान, आज उच्च शक्ति जिस समाज से हूँ मैं, वो एक आज मेरी उच्च शक्ति है। आज भी मैं घुटने के बल जाके उनके सामने में पहला कदम रोज लेता हूँ। ये भगवान मुझे आज के दिन शराब से दूर, पर कोई भी समस्या आए उसे फेस करने की ताकत दे, ये बोलकर मैं अपने काम धंधे से शुरुआत करता हूँ। मैं कोई भी दिन हो, कितने बजे भी हो, मेरे को बगर नहाके मैं घर से बाहर नहीं, मैं ऐसा कोई शायद ही कोई दिन होगा कि जिसको मैंने ना कर नहीं गया होगा। मैं बगर नहाया, बगर अगरबत्ती लगाया, बगर मैं अपनी शराब की दूरी मांगे, बगर मैं दरवाजे के बाहर पैर नहीं निकाल। आज भी ये मेरे को अल्कोहलिक्स अनॉनिमस ने बताया है कि पहले उच्च शक्ति के पास में एक माथा टेको, और आज की शराब की दूरी में वन एट अ टाइम, और किसी की दूसरे की साथ में जुड़ के काम कर। ये कार्यक्रम अकेला नहीं चलता। और आज भी मैं अल्कोहलिक्स अनॉनिमस में, मेरे साथ में लोग है जुड़े, मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ, और अल्कोहलिक्स अनॉनिमस में कदमों पे काम। मेरे चारित्रिक दोस्त बहुत खराब थे, मेरे को ए में आने के बाद में जो बोला मैं कि 4-5 साल में सेल्फ रन राइट, इसी 5 साल में मेरे को एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में फंस गया, इसी में 5 साल 6-7 साल में एक अच्छी खासी 2-3 बैंक ग्रैंडर सिटी में फंस गए। बड़प्पन की भावना दिखाने जगह गाड़ी घोड़ा तब शान दिखाने का काम शुरू किया। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर बहुत सारा कर्जा कर लिया सोबराइटी में, और वो भी सिर्फ दिखाने के लिए, और लोगों को मैं सोबर हूँ और कैसा जी रहा हूँ ये चीज दिखाना, और अंदर से कोई कार्य। 2 स्टेप पर, पहला कदम, और बार बार लोगों को मैसेज देना, लोगों के साथ जाना, कैरिंग में मैसेज करने के लिए, और शराब से। 2006 में 6-7 के दशक में मेरे को जो मेरा नया स्पॉन्सर था बोले तेरे चेहरे पे सोबरेटी नहीं, तेरे चेहरे पे पूरे 12 बजे भी। मतलब क्या करूं भैया बताओ ना, मैं तो सब कुछ तो चल रहा, बड़ी ईमानदारी से मीटिंग जा रहा, दोनों टाइम प्रार्थना करता, रात को भगवान को धन्यवाद भी देता, सब तो बरोबर कर रहा। बोले तू सिर्फ दिखावा कर रहा। बोले सोबरेटी तूने अपने अंतर मन से 4 स्टेप लिया ही नहीं। और मैंने बाद में उनके पास जाके एक एक चीजें शेयर, मेरी खुन्नस क्यों है घर के लोगों के प्रति, के प्रति, किसी संस्था के प्रति, तो ये सब चीजें मैंने उनके पास शेयर किया कि जो मैं बैंकों से कर्जे लिया उसका ब्याज बहुत ज्यादा, ना क्यों ज्यादा लेते करके उनके ऊपर खुन्नस, माँ पे खुन्नस कि पैसे देती नहीं माँ मेरे को काम धंधे के लिए बढ़ाने के लिए, वो माँ की खुन्नस, भाइयों की खुन्नस,
इनके पास अच्छा पैसा है, फिर भी सर मैं लंग लंग हूँ, मैं ठीक ही नहीं हूँ तो मेरे को किसी मदद, अगर मैं ठीक रहूंगा तो मेरे को हर कोई मदद करेगा। ये बात को समझाने के लिए मेरा स्पॉन्सर कारने भी, उसने मेरे को बताया कि तुम जिस दिन ठीक हो जाएंगे ना बोले तो सब कुछ समस्या ठीक। और मैंने उस दिन जो फोर्थ स्टेप लिखा, फोर्थ स्टेप के बारे में मैंने ज्यादा राइटिंग वर्क नहीं, मैं सीधा सीधा हार्ड लैंग्वेज में बात करता, बता देता भैया ऐसी है, ऐसी ऐसी मेरी स्थिति थी। और मैंने सारी चीजें, मैंने अपनी जिंदगी की कहानी उनके साथ में 8-10 दिन शेयर की और बताया उनको, कुछ सारी चीजें बताता हूँ। आज भी मैं दिन में 2 बार या 1 बार मेरे स्पॉन्सर के साथ में बातचीत करता हूँ, दिन भर में क्या हुआ वो भी चीजें मैं शेयर करता हूँ मेरे स्पॉन्सर के साथ, कहाँ गया था क्या किया तो वो शेयर करता हुआ। एक ही लोगों से मैं दूर, जितना दिन जल्दी दूर हो जाऊंगा ना उतने मैं शराब के पास में जाऊँ, ये महामंत्र मैं समझ गया हूँ, मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बताया। एक ही टच में रहे, एक ही लोगों के टच, ये मेरा जो ये जो ग्रुप है पाइनियर ग्रुप, जो फिजिकल मीटिंग जो होती है ना वो मेरा होम ग्रुप, और ऑनलाइन वाला जो मेरा ग्रुप है वो हेल्पिंग हैंड, मैं वहाँ जुड़ता हूँ। और मैं उसको आज हेल्पिंग हैंड ग्रुप को वर्षों से, यानी जब से लॉकडाउन के बाद वहाँ मेरी अपने आप को मैं वहाँ सुरक्षित समझ, यहाँ मैं था पहले ये मीटिंग चालू, विचारों के मतभेद कहीं पे तो भी सोबर रहना है, पर आज मेरा फिजिकल में मेरा आज भी ग्रुप पाई, पिछले 26 साल से मैंने अपने बर्थडे वहीं 26वां बनाऊँ, उसकी डेट डिक्लेयर नहीं किया, सोच रहा हूँ कि शादी के पहले करूँ लड़के के कि शादी के बाद, फिर ऐसा करना कि कम कम शॉर्टकट में निपटाने की कोशिश। फिजिकल बर्थडे मैंने ऐसा कोई नहीं कि मैंने 4 साल नहीं किया और बाद में 40 हो गए, ऐसा नहीं किया मैंने, कंटिन्यू मैंने बर्थडे। तो ये मेरे अंदर में, अलकोली सनानिवास की ताकत, अलकोली सनानिवास के लोग जो आज मेरे पास तो स्पॉन्सर है, मेरे स्पॉन्सर के पास भी स्पॉन्सर है, और मैं भी मेरे पास भी स्पॉन्सर, और मेरे पास के स्पॉन्स ही आज धड़ाके से बढ़िया तरीके से शराब से, एक ही वो भी शराब से दूर है, उनको कोई तकलीफ रही, मदद रही लगी या कोई विचार पूछते हैं तो मैं उनको बताने की कोशिश कर, कुछ विषय उनका ऐसे कठिन रहते तो जो मेरे से नहीं जमता मैं सीधा मेरे स्पॉन्सर के पास लेके चलती, भैया इसका ये सवाल, तो मेरा मेरे स्पॉन्सियों के पास भी स्पॉन्सी है तो वो नहीं हो सके तो वो मेरे पास, ये मेरा आदान प्रदान का कार्य, और इसके वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ शराब से दूर अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। और एक एक दिन, पर शुरू शुरू में मेरी जब तो बोला ना मैंने धीमी गति से चालू कार्य, शेयरिंग करने को मेरे को डर लग, शेयरिंग करना मैं धीरे धीरे चालू, अपने आत्मा कथा जब तक नहीं बताएंगा बोले ना तब तक तेरे को तेरे चेहरे पे रौनक, अपना अंदर का थोड़ा बता ना तेरा क्या है, मैं अंदर से की चीजें मैं शेयर करने लगा, कुछ अंडाइस करने लगा, कुछ मेरे स्पॉन्सर के पास जाके करने, और फिर वो जो हल्कापन लगता ना आदमी को, ऐसा लगता है कि दुनिया में मैं ही अकेला हूँ इस सब के पीछे दबा, नहीं मेरे स्पॉन्सर बोला कि दुनिया का पहला आदमी नहीं है कि तूने सब ये सब कर्म कांड, पर मैंने बोला था शुरू में ही कि मैं बचपन से ही डिफेक्टिव कैरेक्टर से भरा आदमी हूँ, मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करता था तो वहां भी मैं अपनी सुख की पूर्तता कहीं ना कहीं किसी न किसी इसमें कर ले, मेरे को मेरे अंदर में बहुत सारे पैसे के पीछे मैं भागा हूँ ना, पैसा भी मैं पीछे भागा तो मैं पैसे को भी मैंने बहुत नड्डे तक कर दिया, लोग मेरे को अनाप शनाप शब्दों से वापर, वो शब्दों को भी मैंने उसमें से हटाने के लिए अपने आप को ताकत से उसको मैंने एक मार दो टुकड़े किया, कर्जे के लिए मेरा बहुत अच्छा खासा कर्जा था तो मेरा एक प्यारा हुआ प्लाट था 1500 स्क्वायर फीट का, जिंदा रहूंगा तो मैं कई प्लाट ले लूंगा पर मैं कर्जे से मर जाऊंगा तो मेरी सोबरेटी भी जाएंगी और मेरे घर के लोगों के ऊपर एक दुख का कारण आएगा, संकट आ जाएगा, इसलिए मैं फाइट किया इस समस्या को, और मैंने प्लाट बेचकर सारे के कर्जे चुकाया, 2 बैंक, 2 प्राइवेट बैंक, कुछ लोगों के साहूकारों के पैसे खत्म, फिर मस्त एक निडर होके जीने की जिंदगी जीने की कोशिश। आज अलकोली अनॉनिमस में मेरे पर ऐसा कोई कर्जा नहीं है ऐसा बहुत बड़ा, कुछ बिजनेस का कर्जा छोड़ो तो मेरे पर कोई कर्जा नहीं है, कोई साहूकार के पैसे नहीं, किसी के हाथ उधारी नहीं है, पर अभी शादी है सामने में तो कुछ ना कुछ हाथ पैर मारनी पड़े, तो ये चीजें जिंदगी में आती रहती है, सुख दुख है आज भी है, सुख है दुख है, पर किसी भी दुख का कारण शराब नहीं है, ये बात मेरे को अच्छे से आज मैंने बहुत अच्छे से रखा। समस्या मेरी 25-26 साल की सोबरायटी हो गई, 26 साल की सोबरायटी में मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरे अंदर तकलीफें है, तकलीफें का काम तकलीफ करे, अपना काम है उसको देखना और कहा मैं स्वाद को निपटा सकता, नहीं तो मैं ईश्वर के पास में छोड़, ये भैया ये मेरे हाथ में नहीं जम रहा, मेरे से नहीं जम रहा, ईश्वर क्यों मेरी समस्या से निकालने की ताकत मांग, और ईश्वर ताकत देता है, ईश्वर बड़ा दयालु है, ये में हर चीज का किसी न किसी के शेयरिंग से समझ में आ जाता है, किसी न किसी के इसमें अनुभव में आ जाता है, उसमें मेरे को सारी चीजें सीखनी, मैं आज भी एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर, आप भाइयों के साथ में रहकर मैं हेल्पिंग एंड ग्रुप में जाता हूँ तो वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी स्थान है, आज मेरे को बहुत सारे गुजरात से लेके तो उधर चेन्नई से लेके तो हर एक स्टेट से मैं ऑनलाइन के वजह से जो पहचान हो गई लोगों के साथ, जो भाईचारा अपना बढ़ गया, मेरे को करीब करीब आज बहुत नहीं तभी 50-60-70 लोगों के फोन आए जो बाहर गांवपुर में भी बहुत सारे, और आज मेरा दिन इतना खुश गया कि आज मैं बहुत गदगद हो गया, इतने सालों में मेरे को इतने फोन कभी नहीं आए, पर इस साल मेरे को बहुत और
ऐसा नहीं है कि मेरी सोबरेटी से नहीं, मेरे सोबरेटी से ज्यादा वाले को भी। और अभी मेरा ये के लिए मिलना चाहता था, आप तुम्हारी दिन भर से राह देख रहा था, उनका फोन आया को मैं आज वो तुम्हारे चेहरे की सोबरेटी देखना चाहता था कि 26 साल रास तुम मेरे को मिले नहीं। मैं आज थोड़ा सा व्यस्त था काम में, बहुत काम। और आज मेरे साथ में दो ऐसी बड़ी दुखद घटना। एक तो जो मेरे पास काम करता है, वो भी एक ए मेंबर का भाई है, उसकी लड़की ने फांसी लगा ली करके अभी मेरे को चार। और एक ए मेंबर मेरा जो मेरे टच में है, साथ में टच में, उसके भाई ने भी अपने दुख वाले कहानी सुनकर ना मेरे को ऐसा लगता है कि क्या हम लोग ऐसा। मैं थोड़ा हैरा, थोड़ा सा दुखी हो गया था। दोनों दोनों उनके साथ मेरे संबंध अच्छे, जो आदमी काम की लड़की जवान फर्स्ट ईयर में फांसी लगा के, तो उसका जो साथ में कलीग था काम, 8:15 बजे फोन कर, शायद सुबह 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, वो मेरे साथ में टच में है लड़का, उसका फोन आया कि मेरे भाई ने आत्महत्या कर लिया फांसी। तो मैं उसके पास तो चले गया मिलने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए, पर वो मेरे मिस्त्री के घर नहीं जा, वो भी दवा खाने कल सुबह, उसका सबसे पहले उसको जा। मैंने समाज के अंदर में अपना थोड़ा दायरा बढ़ाया, समाज में मैं 2006-07 में वहाँ का चैरिटेबल ट्रस्ट का समाज के इसमें ट्रस्टी बना, और आज भी मैं अलकुलिसना में समाज में कुछ न कुछ कार्य अपना टाइम देता हूँ, जब जब उसको मेरी जरूरत पड़ती है मैं जाते रहता हूँ। समाज का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाने का, वो जो ऊपर में हॉल बनाने का एक कार्य मैंने लिया हूँ, लिया था, उसमें मैं थोड़ा अपना कंस्ट्रक्शन का काम मैंने उनके साथ में देख कर किया। हम कितना भी अच्छा काम करें पर लोग बोलने वाले रहेंगे। एक आदमी ने तो साफ साफ भाषा में बोल दिया, और ये तो सब कुछ बोले, मेरा घर बन रहा था अभी, तो वो बोले तेरे तो सब मंदिर का पैसा आ रहा, बोले तुम्हारे घर मंदिर का 1 रुपया हमने अपने घर में नहीं लाए कभी नहीं, मंदिर देने की चीज है, लेने की चीज, और हिसाब सबको देना। खैर उनको कोई लोगों को बोलने का झक्कन नहीं है, पर आज भी मेरा घर का जब काम बना 2018 में, मेरे को बड़ी एक बात लगती थी कि मेरा घर में दुकान छोटा है, थोड़ा दुकान बड़ा होना चाहिए, मेरे को लगता था कि ये दीवार तोड़ डालना चाहिए, वो दीवार तोड़ना चाहिए, तो मेरा भाई बोलता था नहीं तोड़ना मत, अपना लोड बेरिंग वाला घर है। और मेरे भाई ने मेरे को वादा किया था कि भाई अपन घर बनाएंगे, और मेरे भाई ने ऐसा कुछ प्लान बताया था कि नीचे पूरी दुकान रहेगी, नीचे में एक ऑफिस का लिए कमरा रहेगा, नीचे बाजू में मेरे माँ के लिए कमरा रहेगा। और मेरे भाई ने करीब करीब 2012-13 में से जिक्र किया था, और मेरे को लगता था कि मेरा भाई फटाफट मेरे को बोले कि घर गिराओ, क्योंकि हमारा पुराना घर बहुत लोड बेरिंग वाला था, पुराना था, और अच्छा खासा वो 80 के दशक में बना हुआ था घर, तो वो मेरे घर के लोगों को, हमको जगह भी कम होती थी, किराएदार उस वक्त भी थे। आज वो पूरा घर बनाने का 2018 में, ये अल्कोहलिक को 50 रुपए की चिल्लर लाने को डरने वाले लोग, 40 लाख का काम करने की जवाबदारी मेरे हाथ, ये अल्कोहलिक को मेरे नाम से लोन लेने को लगाया 10 लाख हमने अपने कुछ पैसों भाई। हाँ या ऐसा नहीं, आज हमारे घर में 3 भाई हैं, अलग अलग भाभी भी है, एक बहू भी है, बीवी भी है, तो इनके में कभी दूरा ये मेरा है मेरा मेरा नहीं, ने घर बनाया तो नीचे पूरी दुकान बन, वो नेस में वो तैयार हो रहा दुकानदारी, ये मेरी ये भौतिक प्रगति नहीं बता रहा, एक कैसा विश्वास अल्कोहलिक जीतता है परिवार का, ये चीजें बताना चाहता। जो आदमी को 50 रुपए की चिल्लर लाने को नहीं भेजने को डरते थे कि वापस आएंगे, सोबराइटी ने मेरे को सब कुछ जवाबदारी मेरे हाथ से करने की सौभाग्य, भवन में समाज का भवन बनाने के लिए वो देख रेख करने की जवाबदारी मेरे पर दी गई है, कंस्ट्रक्शन का देख रेख उनको करना है करके, मैं ट्रस्टी होने, तो ये सोबराइटी में अपना घर घर नहीं कर, ये में ये भी नहीं, हमारे सब पैर हाथ ऐसे फैलते रहे सब तरफ, जहाँ मेरी मदद की करा जब मेरे हाथ वापस। मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि मैं जब कैरिंग द मैसेज करने जाता हूँ, तो कैरिंग द मैसेज मेरे दिमाग में, मैं जब मेरी सोबरेटी ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल की होंगी, वो जब कैरिंग द मैसेज किसी के साथ करने जाता था, और वो एक एक दृश्य देखा मैंने, वो दृश्य आज भी मेरे दिमाग में फिट है, और एकदम लॉक के एक अल्कोहलिक का घर कैसा नर्क बन। जब मैं टॉयलेट सेविंग करने गया, उस आदमी से बात कर रहा था, और 2 जन थे, मैं पहले 2 जन ने बोले, मैंने डिसीज बताया, किसी ने पर्सनल शेयरिंग किया, किसी ने रिकवरी बताया, तब मैं देख ही रहा हूँ कि सामने वाले बेड पर एक बाईस हुई ना, वो हिल रही भी नहीं, झुल रही भी नहीं रही, ऐसी शीश पड़ी थी, चित्त पड़ी थी, और हल्का सा उसका मुंह खुला था, बस नाक से नीचे ऊपर का भाग खुला। मैंने वो अल्कोहलिक को पूछा, सफरिंग अल्कोहलिक, ये भाई ये क्या है, ये कौन सोया है, तो उसने बोला मेरी बीबी। बोला इतने इसमें क्यों ऐसी उड़वा के सोई है, नहीं बोले वो जल गई, मतलब कैसी जल गई थी, तो एक कॉमन जवाब रहे कि स्टोव भस्त हो गया था इसलिए वो जल गई, पर जैसा अल्कोहलिक अंदर गया उसने हाथ निकाली और उसने इशारे से करी बताई कि इसने ही जला, इशारे से बताई उसने हाथ से। मैंने जब उसका देखा चेहरा आधा थोड़ा सा और खोली तो पूरी ऊपर से नीचे तक जली हुई, और बाद में मैंने एक ही बात को भगवान को धन्यवाद दिया, ईश्वर को धन्यवाद दिया, अल्कोहली सनानिमस को धन्यवाद दिया, ये ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये दिन देखने के पहले अल्कोहली सनानिमस में समझने की बुद्धि दिया, ये भगवान मेरे को दूसरे बार मैंने धन्यवाद दिया अल्कोहली सनानिमस के फेलोशिप का, कि इन्होंने मेरे को संभाला, इन्होंने मेरे को एक हाथ दिया और मेरे को इस मार्ग से दिखाया, उस आदमी का धन्यवाद किया जिन जिन्होंने मेरे को मदद की थी,
उनके साथ में मैं किया और बहुत कुछ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे को मिला हुआ है, वो बांटने की जरूरत है आज भी। कल में जब रात को 31 दिसंबर को यहाँ से 150 किलोमीटर चंद्रपुर पे गया, कुछ सदस्यों के फोन आए कि भैया क्यों इतने दूर चले गए, नागपुर में तो बहुत शेयरिंग करने मिलता था। शेयरिंग करने नहीं गया था, नए लोगों को स्टैंड दी वहां पर जब गया, और उन्होंने फर्स्ट स्टेशन में ही देखे, उनका दूसरा सेशन या तीसरा सेशन होगा, तो वो बता रहे कि उन्होंने 1 साल से कम वालों को जब बुलाए ना, 36 लोग एक दिन से साल के 6-5 महीने के पहले वाले थे, इतने नए लोग। वहां मेरी जरूरत है कैरिंग द मैसेज डोर टू डोर करना, और ये कैरिंग द मैसेज करना अपना वापस स्टैंड देना, ताकत देना लोगों को, ये अलग। एक बड़े पैमाने में लोगों को बताना इस चीज अलग है, और अब भी डोर टू डोर करने में एक अलग आनंद आता है, कुछ चीजें नई सीखने के लिए मिलती। वो दीवारें दिखती है कैसी घर में वातावरण रहता है, कितने आदमी घर के अंदर में अस्त व्यस्त रहे। मेरे खुद के घर में एक कस्टमर आया था 97, उसने एक ही शब्द बोला था, क्या बोले, घर है कि शमशान है, पूरी मानु मनुष्यत छपी छपी। और वो एक नागपुर के मेयर की बहुत ही, और उसका सामान मैंने बेच बनाकर बराबर टाइम पे नहीं दिया और बराबर नहीं बना, वो कंप्लेन लेके आई थी अल्कोहलिज्म। वो चीज घर के लोगों ने, मैंने देखा ना उसकी बातों को सुना ना, तो मेरे दिमाग में बहुत त्वस्थित हसीन ईश्वर की कृपा की मैं ए में आया, और हसीन ईश्वर की कृपा की ईश्वर ने मेरे को सद्बुद्धि दिया, इस कदमों पे चलने की ताकत दी है मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, उन्होंने मेरे को बार बार पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, किसी ताने से बोलो या किसी प्रेम से बोलो, इस कदमों पे काम करने की मैं कोशिश किया। हर कदम पे मैंने अपनी अपनी इन्वेंटरी लिया, 8वें कदम पे भी लिया, 9वें कदम पे नुकसान भरपाई भी किया, 12वें कदम पे मैं आज भी काम करता हूँ दूसरे की मदद करने के लिए। आज मेरे साथ में अभी भी मेरे को 2-3 फोन आया, मैंने काटा, लोगों की आवाज नहीं आना, आज मेरे को दिन भर से फोन का मेरा सिलसिला चालू था, पर आज भी मैं एम के टच में हूँ, आप भाइयों के साथ में हूँ, आप लोगों का साथ रहा, इसके आगे वाले दिन एक एक दिन करके एक अच्छा जीवन जीने की, आप लोगों के साथ में एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहकर एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करूंगा। मेरी जहां भी किसी को रही बात, मैंने फाइनेंस पे भी अच्छा काम किया, मैंने सेक्स के भी अच्छा काम किया, मैंने अपने घर परिवार को ठीक करने का काम किया, समाज का काम किया, अपने घर को और अपने आपको, और मीटिंग का मैंने सेवाएं बहुत दी, इंटर ग्रुप चेयरमैन भी रहा, PI कमेटी भी चेयरमैन रहा इंटर ग्रुप में, पर इसके ऊपर की पोस्ट मेरे लायक की नहीं है, मेरे लायक यानी मेरी स्टडी उतनी नहीं है, इसलिए मैं डेलीगेट ट्रस्टी नहीं बन सका, नहीं तो उसको भी बनने के लिए मेरे को कोई टाइम नहीं लगता था, पर मेरी पात्रता उतनी नहीं है। मैं अपने जमीन लेवल पर, लोकल लेवल पर और इंटर ग्रुप लेवल पर आज भी मैं कहीं ना कहीं सेवा दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सुना और मेरे को बहुत आराम से शांति से सुना, इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। पायनियर ग्रुप ऑनलाइन ग्रुप का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे को आज बोलने का मौका दिया, मेरे जैसे अल्कोहलिक को, और आपने मेरे को बोल सुने, उसके लिए भी मैं आप सब लोगों का और सारे भी जो लोग मेरे, खास करके विजय भाई का और जो भी यहाँ पे मनीष भाई भी एक रहते हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और कोई जो भी रहते होंगे यहाँ पे, जो जो ऐसी सोब्राइटी को बढ़ता रह रहे, और विजय भाई का मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को बोलने का मौका, थैंक यू।